हेलो भाई, नमस्ते दोस्तों। इंडिया डिजिटल हो चला है। तो डिजिटल होना बोले तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, जिसके कारण हैकिंग का ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया है। हैक हो सकता है, हैकिंग बोले तो एक तरीके से चोरी, ऑनलाइन चोरी। अब इससे कैसे बचें? या आप खुद बच सकते हैं, अपना सोच समझ को, क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं है उस पर आप बच सकते हैं। पहले आप पब्लिक की वाईफाई यूज़ ना करें पेमेंट के लिए, क्योंकि तो पब्लिक वाईफाई में बहुत से लोग बैठे हैं, शायद हैकर्स भी बैठे हो सकते हैं, तो उसका यूज़ ना करें कोई पेमेंट के लिए। और अपना ईमेल आईडी सेफ रखें, पासवर्ड इतना स्ट्रांग बनाएं कि इसको कोई हैक ना कर पाए। उसमें एक वर्ड, स्पेशल वर्ड्स जैसे @ हैश, इस टाइप के बहुत से स्पेशल वर्ड्स होते हैं, उसका यूज़ करें। नंबर यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 डिजिट का पासवर्ड रखें, जिससे पासवर्ड स्ट्रांग हो जाता है। और मेन चीज़ एंटीवायरस, एंटीवायरस अपने सिस्टम और मोबाइल में रखें, जिससे हैकिंग का ख़तरा कम हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हैकिंग बिल्कुल ही बंद हो जाए, लेकिन आप बच सकते हैं हैकिंग से, कि हैकिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। कि आप बच्चा हैं तो अच्छा ही है। आपका ईमेल आईडी, उस पर कोई फेक ईमेल आ सकता है कि आपको ये मिला है ये मिला है, उससे बचें। ज़रूरी नहीं है कि ईमेल आए, ब्लॉक कर दें। ऐसे कोई अगर आता है अननोन चीज़ या आपको जो पता नहीं है उसके बारे में पता लगा सकते हैं, आप दूसरों से पूछ सकते हैं कि कैसे बचा जाए। और साथ अपना कंप्यूटर और मोबाइल को सेफ रखें, पब्लिक में यूज़ ना करें। जैसे कि एटीएम से भी आजकल पैसे निकाल लिए जाते हैं, ये कोई वो नहीं है कि कोई आपका एटीएम यूज़ कर रहा है और आपने किसी ने निकाल लिया है। ये तो ऐसे होता है कि आपने गलती से कहीं पब्लिक प्लेस पे यूज़ कर लिया, पिन बोल दिया, या आपने अपना एटीएम का कार्ड नंबर बता दिया है, ऐसे आपके एटीएम से पैसे निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी निकाल सकता है, कोई उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता। कुछ आपने गलती करी होगी कहीं, या आपका पिन आपने कहीं दिया होगा, या आपने अपना एटीएम का नंबर दिया होगा, तो ही निकाल सकते हैं, ऐसे कोई नहीं निकाल सकता। इसमें तो आपको ही खुद को सेफ रहना होगा कि कैसे बचा जाए। आपको खुद सोचना होगा कि मुझे हैकिंग से कैसे बचना है, बाकी और चीज़ों से कैसे बचना है, ये आपके ऊपर है। बाकी 2-3 चीज़ें होती हैं, एंटीवायरस डालें, सेफ़ रहें, अपना एटीएम का पिन ना बताएं, पहले देख लें आजू बाजू कौन है क्या है, मशीन चालू है नहीं है, और आपके ईमेल एड्रेस का कभी जवाब न दे कि आपको इतना प्राइस लगा है, आप ये हैं वो हैं, पर बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई का यूज़ ना करें, अपने मोबाइल की सिम, हाँ सॉरी, और जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं तो सिक्योर रहें, कि जिस वेबसाइट पे आप पेमेंट कर, जिस शॉपिंग वेबसाइट के, वो ट्रस्टेड हो। ट्रस्टेड हैकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे आप पेमेंट करें जिस पे आपको भरोसा है और जो लगातार चल रही है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस पे कम है, ठीक है। अपनी बैंक की डिटेल किसी को नहीं दें, खास करके पिन, पिन नहीं दें, एटीएम देंगे, एटीएम का नंबर नहीं दें,
अकाउंट नंबर देते भी है तो उससे कोई नुकसान तो होता नहीं है, लेकिन हो सके तो उसे दें जिस पे आपको ट्रस्ट है या जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसे दें, क्योंकि हैकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, हैक हो ही जाता है। आपने सुना ही होगा कि फेसबुक के भाई साहब का अकाउंट हैक कर लिया था। तो अब आप देखिए आपको कैसे बचना है बस। लेकिन हैकिंग से बचना एक ही तरीका, आपको खुद अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आपको किससे पेमेंट करना है किसे नहीं करना है, ये आप पे ऊपर निर्भर है। आपको खुद को समझदारी से काम लेना होगा, ठीक है? आपकी समझदारी आपको खुद को बचाएगी ना कि मुझे। तो बी स्मार्ट योर सेल्फ। बाय।